नमस्कार। ईवीएम और कंट्रोवर्सीज का जो साथ है वो बहुत गहराए जा रहा है। हर एक स्टेट में जब भी जहां भी इलेक्शन हो रहा है वहां पर ईवीएम की जो गड़बड़ियां हैं वो बाहर आए जा रही हैं, कंट्रोवर्सी निकले जा रही है। असम की अगर आप बात करें, वेस्ट बंगाल की अगर आप बात करें, केरल की बात करें, अब कल तमिलनाडु में भी यही हुआ। हर जगह ईवीएम और ईवीएम के साथ जुड़ी कहानियां, उनकी गड़बड़ियां बाहर आए चली जा रही है। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई, चेन्नई में एक जगह है वेलाचेरी। वेलाचेरी में दो बाइक सवार स्कूटी में तरमनी लिंक रोड नामक एक जगह से जा रहे थे। अचानक से उनकी बाइक स्लिप होती है और जैसे ही वो लोग गिरते हैं आसपास के लोग फौरन दौड़े चले जाते हैं उनकी मदद करने के लिए। जब उनको उठाते हैं तो उनको उठाते साथ एक और तरफ जब उनकी नज़र पड़ती है तो देखते हैं उनके हाथों में ईवीएम मशीन और वीवीपैट रखी गई है। जब इन लोगों ने ये सवाल पूछा कि तुम्हारे हाथ में ये ईवीएम मशीन कैसे आई, ये वीवीपैट कैसे आया, तो उनसे किसी भी तरह का जवाब नहीं देते बना। इसके चलते वहां के जो और लोग थे, यानी जो बाकी पार्टी के लोग थे, जैसे कि डीएमके के हुए, कांग्रेस के हुए, वो तमाम लोग वहां पे इकट्ठे हो गए। पुलिस वालों को बुलाया गया, उनसे ये पूछा गया कि बिना किसी प्रोटोकॉल के, बिना किसी सेफ्टी सिक्योरिटी के ये किस तरह से ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। उनका ये जवाब था कि ये इनको हमने यूज नहीं किया, इसमें वोट नहीं पड़े हैं, ये अनयूज्ड बॉक्सेस हैं, इस वजह से हम एक जगह से दूसरे जगह शिफ्ट कर रहे हैं और हमारे ऑफिसर ने इसको करने कहा है। अब उस ऑफिसर को भी इन लोगों ने फ़ोन पे लिया लेकिन वहाँ के लोगों ने साफ मना कर दिया, हम किसी भी ऑफिसर से बात करने को तैयार नहीं हैं, ये बहुत सीरियस मसला है, इनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। बाइक सवार उन तीनों लोगों को गिरफ्त में ले लिया गया, उसके बाद इंक्वायरी भी बैठी वहाँ के पुलिस थाने में, इनको लेके जाया गया। जो तमिलनाडु के इलेक्शन कमिश्नर हैं सत्यबत्रा साहू, इनसे जब यही सवाल पूछा गया तो उन्होंने ये कहा, जी इन्होंने जो किया वो गलत है, प्रोटोकॉल के खिलाफ ये लोग गए हैं, इसको हम मानते हैं, लेकिन कोई बड़ी बात नहीं है। यानी जवाबदेही नहीं देना चाहता है कोई भी अफसर, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि इनमें वोट पड़े ही नहीं, ये अनयूज्ड मशीन थी। चाहे वो मशीन अनयूज्ड हो, रिपेयर्ड हो या फिर यूज्ड हो, एक प्रोटोकॉल माना जाता है कि इसी तरीके से, इसी जरिए आप एक मशीन को दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसका पूरा जो ब्यौरा है, उस प्रोटोकॉल का पूरा जो ब्यौरा है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ही बाहर निकाला है। इस प्रोटोकॉल के चलते तमाम वो रूल्स डाले गए हैं, रेगुलेशंस डाले गए हैं कि किस तरह से आप एक मशीन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। इसके बारे में भी आपसे बात करूंगा। उससे पहले जो असम में घटना घटी, असम में भी इसी तरह से अप्रैल 1 तारीख को जो उम्मीदवार थे उन उम्मीदवार की बीवी की गाड़ी में ही ये तीन मशीनें पकड़ी गईं। ना सिर्फ मशीनें बल्कि जो पोलिंग अफसरान थे वो भी उस मशीन में, उस गाड़ी में बैठे हुए नजर आए। जब उनसे ये पूछा गया, भैया ये क्यों ऐसा हुआ और किस तरह से आप एक प्राइवेट गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, ईवीएम मशीन को भी आपने साथ में लिया हुआ है, जब ये पड़ताल आगे बढ़ी तो समझ में आया जो कृष्णेंदु पॉल हैं, बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं, उन्हीं की पत्नी की गाड़ी थी और वो खुद इस गाड़ी में मौजूद थी। अब इन लोगों ने ये कहा कि साहब हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी और कोई गाड़ी मिली नहीं, हमने हाथ दिखाया, इनकी गाड़ी वहाँ आग के रुक गई और हमने चढ़ा लिया, हमें नहीं पता था कि ये उम्मीदवार की पत्नी है और उन्हीं की गाड़ी है। जो पोलिंग स्टेशन 149 इंदिरा एमवी स्कूल के में जो ये पोल हुआ, ये मशीनें जो थी वहाँ पे ये पोल हो चुकी थी, इनमें वोट पड़ चुके थे, ये वो मशीनें थी। किसी भी तरह की इंक्वायरी नहीं हुई, किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया गया। किसी भी शख्स के पास इस तरह से अगर ईवीएम मशीनें पकड़ी जाती हैं तो वो बहुत बड़ा एक क्राइम माना जाता है, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए, उनको जेल में बंद किया जाना चाहिए। लेकिन अगर आप तमिलनाडु की बात करें, आप असम की बात करें, ऐसा कुछ नहीं हुआ। ये पहली बार हुआ है तो भी ऐसा भी नहीं है। मध्य प्रदेश की बात मैं आपको बताता हूँ। मध्य प्रदेश में साल 2018 की ये बात है, हाँ 2018 की ये बात है। मध्य प्रदेश पे जब असेंबली इलेक्शन हुए थे, वहाँ के जो चार पोलिंग ऑफिसर थे, जिन मशीनों में वोट डल चुके थे, उन मशीनों को लेके वो होटल में जाके ठहर गए। सोच के देखिए, ये हालत है हमारे ईवीएम मशीनों की, और इनके 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 भरोसे आप वोट डालते हैं, इनके भरोसे आप ये कहते हैं हम कॉन्स्टिट्यूशन को जी रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हम पोलिंग करा रहे हैं। वहाँ पर भी बात नहीं ख़त्म होती है। राजस्थान पे जो इलेक्शन हुआ, असेंबली इलेक्शन हुआ, वहाँ की एक और घटना है।
60 मशीनें एक बीजेपी उम्मीदवार के घर से पकड़ी गई, कोई एक्शन नहीं लिया गया। मध्य प्रदेश में फिर से रीपोलिंग नहीं हुई, हालांकि जो चेन्नई में जो कल सड़क जाम किया गया, यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने ये कहा कि भाई ये जो आपने इलेक्शन किया है उस पर हमें किसी भी तरह का भरोसा नहीं है, यहाँ पे रीपोलिंग होनी चाहिए। जो जगह पकड़ी जाती है, जो शख्स पकड़ा जाता है, वहाँ पे आप रीपोलिंग करा भी लें, लेकिन कई ऐसे इलाके होंगे जहाँ पर इसी तरह की घटनाएँ हुई होंगी जो पकड़े भी नहीं गए होंगे, तो उनका क्या? क्या आप भरोसा कर सकते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पर? ठीक है, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो प्रोटोकॉल देता है कि किस तरह से आप ईवीएम को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, कहां से आपको सिक्योरिटी अरेंजमेंट करनी चाहिए, क्या क्या चीजों का आपको ध्यान रखना चाहिए, वो तमाम चीजें इन्होंने लिखी हैं, वो मैं आपको एक बार पढ़ के सुना देता हूं। आप ही फैसला कीजिए क्या ये प्रोटोकॉल्स जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, जो उसमें जो अफसरान काम करते हैं, वो उसको फॉलो करते हैं या फिर नहीं, और अगर नहीं करते हैं तो जवाबदेही किसकी है, किसकी जवाबदेही है कि सही तरीके से एक सीधे तरीके से इलेक्शन हो रहा है देश में। पहला पॉइंट, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट, कि किस तरह से आप वीवीपैट और ईवीएम मशीन को ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। एनी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, स्टेट हो, इंटर स्टेट हो, या फिर किसी भी जगह पे ट्रांसपोर्टेशन हो, इन तमाम जो प्रोटोकॉल है इनको देखना पड़ेगा। इनके अलावा आप किसी भी तरह का खुद से एक नया प्रोटोकॉल नहीं बना सकते हैं। मूवमेंट ऑफ ईवीएम एंड वीवीपैट शुड बी मैंडेटरली बी डन थ्रू ईवीएम ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर। ईवीएम मशीन और ईवीएम के जो वीवीपैट है, इन दोनों को ही जब आप ट्रांसपोर्ट करते हैं उस समय पे ईवीएम का जो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर है उसका होना बहुत जरूरी है। अगर आपके पास वो ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर नहीं है ईवीएम में लगा हुआ, तो आप नहीं ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। कंटेनराइज्ड ट्रक और सील्ड ट्रक ऑन विच प्रॉपर लॉकिंग अरेंजमेंट कैन बी मेड शैल ओनली बी यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्टिंग ईवीएम और वीवीपैट सो दैट दीज कुड बी लॉक्ड एंड सील्ड विद पेपर सील। एक मजबूत, चारों तरफ से ढका हुआ ट्रक होना चाहिए, वो तिरपाल वाला ट्रक नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से बंद ट्रक होना चाहिए। उस ट्रक में एक अच्छा ताला, लॉकिंग फैसिलिटी होनी चाहिए, ताकि आप जो ईवीएम मशीन है, वीवीपैट है, उनको अंदर बंद करें, उस पर ताला लगाएं, उस ताले के ऊपर एक कागज़ से सील लगाएं, सरकारी थप्पा लगे उसमें, उसके बाद ही आप ले जा सकते हैं। तिरपाल वाली गाड़ियाँ, ओपन गाड़ियाँ आप नहीं ले जा सकते हैं, जीपों में नहीं ले जा सकते हैं। अगर जीप में लेके भी जा रहे हैं तो अंदर रखते साथ उस पर सील लगनी चाहिए। एक जगह सील लग गई तो दूसरी जगह जब वो खुलती है वहीं पर जाके उसको खोलना है, बीच में आप नहीं खोल सकते हैं। इस तरह से आप बाइक में नहीं लेके जा सकते हैं, प्राइवेट गाड़ियों में नहीं लेके जा सकते हैं। अगला, ऑल ट्रक्स ट्रांसपोर्टिंग ईवीएम एंड वीवीपैट शैल बी सील्ड विद लॉक एंड प्रॉपर पेपर सील। जो गाड़ी इस ईवीएम मशीन को लेके जा रही है उस पर अच्छे से ताला लगा होना चाहिए, कागज से जो सरकारी सील है वो लगी होनी चाहिए। व्हीकल विद जीपीएस ट्रैकिंग ओनली शुड बी यूज्ड फॉर मूवमेंट ऑफ ईवीएम और वीवीपैट। जिस गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा है ट्रैकिंग के लिए, जीपीएस सिस्टम जिस गाड़ी में लगा हुआ है उसी गाड़ी को आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। अगर उस गाड़ी में जीपीएस नहीं है तो आप नहीं लेके जा सकते। तो क्या जो असम में जो उम्मीदवार थे उनकी जो पत्नी की गाड़ी थी उसमें जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था, क्या वो ऑथराइज्ड था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के, उससे उनको प्रमाण मिला हुआ था कि आप भाई ईवीएम मशीन ले जा सकते हैं? तमिलनाडु में जो कल घटना घटी, क्या वो पूरी तरह से बंद था, उसमें जीपीएस लगा हुआ था, उसमें ट्रैकिंग सिस्टम लगा हुआ था, किसी तरह का उसमें सेफ्टी सिक्योरिटी मेजर था? इसका जवाब दें, जवाबदेही बनती है यहाँ पर। अच्छा, इसके बाद पोलिटिकल पार्टी शैल बी इन्फॉर्म्ड इन एडवांस अबाउट ओपनिंग, स्टॉकिंग और सीलिंग ऑफ वेयर हाउस वाइल शिफ्टिंग ईवीएम एंड वीवीपैट, हाउएवर इफ नो रिप्रेजेंटेटिव अटेंड्स द वर्क शुड नॉट बी स्टॉप्ड। जो पोलिटिकल पार्टीज हैं, जो उम्मीदवार हैं, जो उनके लोग हैं, उनको ये बताना होगा कि भाई हम ईवीएम को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट कर रहे हैं, अब पोलिंग खत्म हो गई है और इस तरीके से हम लेके जा रहे हैं, इस गाड़ी में लेके जा रहे हैं, फलाना जगह ये जा रही है, वो तमाम डिटेल उन पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवारों को इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, वहां के जो पोलिंग ऑफिसर है, उनको देना पड़ेगा। अगर उनके रिप्रेजेंटेटिव वहां पे नहीं होते, वो चल सकते हैं उस गाड़ी के साथ साथ चल सकते हैं,
कहां तक वो ईवीएम मशीन को लेके जा रहे हैं वहां तक वो लोग जा सकते हैं, देख सकते हैं कि ठीक से रखा गया कि नहीं रखा गया। लेकिन अगर वो लोग नहीं है अवेलेबल, तब भी वो काम नहीं रुकना चाहिए, वो काम हो जाना चाहिए। ईवीएम को आप पैक करिए, गाड़ी में शिफ्ट करिए, उस पर ताला लगाइए, उस पर सरकारी थप्पा लगाइए, सील लगाइए, और उस पर GPS होना चाहिए, ट्रैकिंग सॉफ्टवेयर होना चाहिए, तमाम चीज़ें फॉलो करते हुए आप उसको लेके जा सकते हैं। ठीक, ड्यू वीडियोग्राफ द होल प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर रिसिप्ट ऑफ EVM। ये जो पूरा तरीका है किस तरह से EVM को चढ़ाया गया, उस पर सील लगाई गई, उस पर ताला लगाया गया, ये तमाम चीज़ें वीडियोग्राफ होनी चाहिए। और जब उसको उतारा जा रहा है जिस जगह पे आप लेके जा रहे हैं, वहां पर भी यही वीडियोग्राफी होनी चाहिए कि जिस तरह से हमने अंदर रखा था उसी तरह से वो है या फिर नहीं, उसमें वो तमाम सीलें हैं या फिर नहीं। ये सारी चीज़ें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खुद के प्रोटोकॉल बताते हैं, लेकिन इनके खुद के प्रोटोकॉल के बारे में कोई जवाबदेही कोई भी नहीं देना चाहता है। यहां तक ये सीमित नहीं है, इसके बाद आप जो स्टोरेज एंड सिक्योरिटी का जो अरेंजमेंट है उसके लिए भी लिखित में दिया गया है ये सब, ठीक है, कि कहाँ आपको रखना चाहिए। द ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पोलिटिकल पार्टी शैल बी अलाउड टू विटनेस एनुअल फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ EVM एंड VVPAT। जो पोलिटिकल पार्टी के जो उम्मीदवार हैं, जो लोग हैं, साल में एक बार कहाँ पर रखा गया है, किस जगह पर रखा गया है, किस तरह से रखा गया है, इन तमाम चीज़ों को वो खुद जाके देख सकते हैं, छेड़खानी नहीं कर सकते, देख सकते हैं। Duty register of person engaged in physical verification to be maintained. This register shall be preserved for 5 years. कौन फला आदमी आया, किसने आया, क्यों आया, कौन से डिपार्टमेंट का था, कौन से पॉलिटिकल पार्टी का था, और उसका आने का उद्देश्य क्या था, किस वजह से वो देखना चाहता था, तमाम चीजें एक वहां पे रखे गए रजिस्टर में लिखना होगा। उस रजिस्टर को अगले 5 साल तक संजोक कर रखना होगा कि कभी भी आपको कोई रिकॉर्ड देखना हो तो उस रजिस्टर में आपको मिल जाए, किस तारीख को, किस समय, कौन आया, क्यों उसने देखा, तमाम रिकॉर्ड आपको मेंटेन करने होंगे। फॉर वेयरहाउस एट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर शैल बी डबल लॉक्ड, द की शैल बी इन कस्टडी ऑफ DEO एंड DY। यानी जिस जगह पे आप रख रहे हैं इन EVM मशीन्स को, उसमें 2 तरह के ताले लगे होने चाहिए, और उन तालों की 2 अलग अलग लोगों के पास, 2 अलग अलग अफसरों के पास उसकी चाबी होनी चाहिए। यानी अगर एक शख्स वहां पे आके उस वेयरहाउस को खोलने की भी कोशिश करे तो वो ना खोल पाए, दूसरा अफसर भी वहां पे आना, मौजूद होना पड़ेगा, दूसरे अफसर को भी अपनी चाबी लगानी पड़ेगी, तब जाके वो वेयरहाउस खुलेगा, नहीं तो आप नहीं एक्सेस कर सकते हैं। ये भी इनका प्रोटोकॉल बताता है। लेकिन हमारे देश में बाइकों पे EVM को लिया जाए, EVM को लेके जाया जा रहा है, बच्चों के सर पे EVM चले जा रहे हैं, लोगों के घरों से EVM मिल रहे हैं, उम्मीदवारों की गाड़ियों में EVM मिल रहे हैं, लेकिन कोई भी जवाबदेही नहीं देगा। मेन स्विच ऑफ वेयर हाउस स्ट्रॉन्ग रूम शुड बी इंस्टॉल्ड आउटसाइड द वेयर हाउस। ठीक है, जो जगह, जिस जगह पे इनको स्टोर किया जाता है EVM और VVPAT को, उस वेयर हाउस के बाहर एक मेन स्विच होना चाहिए। उसका काम यह है कि जैसे ही आपने स्टोर किया, उस मेन स्विच को ऑफ कर दीजिए, यानी वहां पर बिजली नहीं होनी चाहिए। कल को शॉर्ट सर्किट हो जाता है, आग लग जाती है बिजली की वजह से, तो वो घटना ना घटे, सुरक्षित रहे वो जगह, ठीक है, जिस पे वोट डाले गए हैं, जो मशीन रखी गई है, या वो रिपेयर्ड है, या फिर उन मशीनों का कोई काम नहीं है, नई मशीनें जैसी भी हैं। अगर EVM मशीन और VVPAT किसी वेयर हाउस में रखा गया है, तो बाहर का जो मेन है उसको ऑफ कर देना है। After opening the storage room of counting votes, complete videography to be taken, bringing back the control unit shall be done. Agents of candidate should also be allowed to watch strong room through CCTV storage. ठीक है, तो एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, जब आप काउंटिंग के लिए, गिनती के लिए इस VVPAT को बाहर निकालते हैं, तो उस तमाम चीज़ों का जो वीडियोग्राफी है वो होनी चाहिए। तो CCTV जो फुटेज है, इसका जो कवरेज है, ये हर उम्मीदवार को देना पड़ेगा आपको, कि किस तरह से हमने रखा था, किस तरह से हमने निकाला, ये तमाम चीज़ें एक एविडेंस के तौर पर जो वहाँ के उम्मीदवार हैं उनको देना पड़ेगा। इसके अलावा एक और बहुत ख़ास बात है, जो जिस जगह पे VVPAT रखे गए हैं, EVM रखे गए हैं, उसको 24 घंटे CCTV की निगरानी में होना पड़ेगा। यानी कभी भी कुछ भी हरकत होती है, CCTV पे वो चीज़ रिकॉर्ड हो जानी चाहिए। इसके अलावा 24 घंटे यानी 365 दिन
एक भी दिन छोड़ो नहीं, 365 दिन साल के ईवीएम मशीन जहां पर रखी गई है उसकी निगरानी पुलिस के हाथों में, पुलिस के हाथों में वो चीज होनी चाहिए कि किस तरह से इस ईवीएम के साथ ऑपरेशन हो रहे हैं, खासतौर पर जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं उस जगह पर जो उस मशीन पे वोट डाले गए हैं उस इलाके तक में आप नहीं घुस सकते। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का जो ऑफिसर है वो भी बिना किसी वजह के उस बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस सकते हैं। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के उम्मीदवार, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लीडर उस बिल्डिंग के अंदर नहीं घुस सकते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ जिस दिन काउंटिंग होगा, तमाम लोग जब वहां इकट्ठे हो जाएंगे, वीडियोग्राफी वहां पे आ जाएगी, तब जाके वो दरवाजा खोला जाएगा, वीडियो होएगा, आपके उम्मीदवार वहां जाएं, पोलिंग ऑफिसर वहां पे जाएं, जो काउंटिंग का जो स्टाफ है वो वहां जाए, पुलिस विभाग वहां पे रहेगा, तब जाके आप इस चीज को कर सकते हैं। अन्यथा आप बिल्कुल भी ईवीएम जिस जगह पे रखा है उसके आसपास तक नहीं पहुंच सकते। क्या ये चीज भारत में आज हो रही है? क्या जितने भी जगह इलेक्शन जो हो रहे हैं वहां पर इन तमाम प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है? जिम्मेदारी जो जवाबदेही है ये किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट की है, या फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, इन दोनों का ही काम है जो भारत में जो लोग हैं सीधे तरीके से उनका जो राइट है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो मिल रहा है फिर नहीं। जो इलेक्शन हो रहे हैं वो जिम्मेदारी के साथ, ईमानदारी के साथ हो रहे हैं फिर नहीं? अगर ये जिम्मेदारी लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, ईमानदारी के तरीके से अगर ये इलेक्शन नहीं हो रहे हैं, तो भारत में इलेक्शन कराने की जरूरत ही क्या है? आप बिना इलेक्शन कराए आप सत्ता हासिल कर सकते हैं? आप किसी भी गाड़ी में इस तरह से चोरी करते हुए जब पकड़े जाते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन तक क्यों नहीं लिया जाता है? उनके खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉ क्यों नहीं आप लेके आते? लॉ होते हुए भी उस इंसान के खिलाफ किसी भी तरह का एक्शन नहीं लिया जाता है। और जो जब आप सवाल पूछते हैं तो इस तरह के जवाब मिलते हैं आपको कि इसमें तो वोट ही नहीं पड़े, ये तो नई मशीनें हैं, इसमें तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है, वोट जिसमें पड़े हैं उसको भी आपके अफसरान होटल में ले जाके सो जाते हैं। अगर खराब है मशीन, खराब मशीन के लिए भी तो यही प्रोटोकॉल आते हैं, इनके लिए कोई नए प्रोटोकॉल्स तो नहीं है, तो जवाबदेही किसकी बनती है? सोचने की बात है, सोचिए जरा। धन्यवाद।